हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले अपना क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि बेटा आप सभी लोगों को मालूम है रियल नंबर्स है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में रियल नंबर्स के सारे ही कॉन्सेप्ट के बारे में, और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं किस तरह से चैप्टर से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं, किस तरह से हमारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रियल नंबर्स के बारे में समझेंगे। अगर आपने देखा होगा क्लास 9 में आप पढ़ के आए नंबर सिस्टम के बारे में, है ना, नंबर सिस्टम के बारे में सभी बच्चों ने पढ़ रखा है। अब उसमें नंबर सिस्टम में ही एक पार्ट है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर है बेसिकली दो टाइप के नंबर होते हैं, एक होता है रैशनल और एक होता है इरैशनल, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन कुछ नंबर्स के बारे में समझेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में या क्वेश्चन में यूज आने वाला है उनका, ठीक है। तो उन नंबर्स को समझते हैं। सबसे पहला, जैसे कि मैंने बोला, हमारे पास क्या होता है बेटा, एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो उसको समझने का काम करते हैं। आइए भाई, रैशनल नंबर की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे पास दो टाइप के नंबर होते हैं, जैसे कि मैंने बोला एक होता है बेटा रैशनल, ठीक है, और बेटा एक क्या होता है आपका इरैशनल नंबर होता है ना। नाम तो सुना ही होगा आपने इन दोनों का, ये सब हमने क्लास 9 में पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर बेसिकली क्या है, जो पी बाय क्यू की फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में हो, पी बाय क्यू की फॉर्म में हो, उनको हम क्या कह देते हैं, रैशनल नंबर। और साथ ही साथ इसकी दो कंडीशंस भी होती हैं। दो कंडीशंस क्या होती है कि सबसे पहली बात, पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, और जो हमारा डिनोमिनेटर मतलब जिसको हम क्यू डिनोट कर रहे हैं वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन बातों को हम लिखते भी चलते हैं। सबसे पहली बात, पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में होता है, एंड पहली बात, पी एंड क्यू बेटा क्या होते हैं आपके, इंटीजर्स होते हैं, है ना, क्या होते हैं बेटा, इंटीजर्स होते हैं, और साथ ही साथ जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज ये आ गई। अब भाई दो कंडीशन साथ साथ जुड़ती रहती है। जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा माइनस का 2/3, है ना, 1/5 लिखा, ये बेटा किसकी फॉर्म में, पी बाय क्यू की फॉर्म में, ठीक है। और दोनों ही, ऊपर वाला भी इंटीजर है, नीचे वाला भी इंटीजर है, दोनों ही कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। साथ साथ जितने भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं, क्या बेटा, नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ये सारे के सारे नंबर बेटा हमारे किस में काउंट होते हैं, रैशनल में। क्यों, लेकिन ये तो पी बाय क्यू फॉर्म में होते नहीं, लेकिन क्या हम इसको बना सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, किसकी बात करें बेटा, अगर हम बात करें किसकी, टू की, है ना, टू इज़ अ नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर, है ना। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देते हैं, वन लगा देते हैं, है ना, ऐसा आपने सुना होगा, हम क्या लगा देते हैं, वन। क्या अब ये पी बाय क्यू की फॉर्म में बन गया, यस मैम बन गया, है ना। तो जितने भी आपके इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर होते हैं उनको बेटा हम क्या कह देते हैं, ये पहली बात हो गई आपकी, ठीक है बेटा, ये पहली बात हो गई आपकी। दूसरी बात की अगर बात करें, जितने भी नेचुरल नंबर है जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते थे, एंड होल नंबर और बेटा क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए, ये सारे के सारे आपका क्या कहलाते हैं, ये रैशनल नंबर कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है भाई, क्लियर है। अब आपने कुछ नंबर सुनोगे, जैसे टर्मिनेटिंग वर्ड सुना होगा, है ना। टर्मिनेटिंग होता क्या है, टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर्स होते हैं जो पॉइंट के बाद, डेसिमल में तो होते हैं, डेसिमल में कुछ पॉइंट के बाद आके रुक जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये थी, तीसरी बात क्या है बेटा आपकी, टर्मिनेटिंग वाली। आप टर्मिनेटिंग बेसिकली क्या है, क्या एग्जांपल समझते हैं। टर्मिनेटिंग में आपका क्या होता है, जैसे कि टू पॉइंट बेटा आपके पास क्या लिखा है, 3/4 लिखा है, पॉइंट के बाद दो नंबर के बाद आके रुक गया, है ना, टर्मिनेट हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1.5678, है ना, चार नंबर के बाद आके रुक गया, है ना। तो दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है, कुछ पॉइंट के बाद आके रुक जाते हैं। अब आपने टर्मिनेटिंग भी समझ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हम किसके बारे में, रिपीटिंग नंबर्स के बारे में, किसके बारे में, रिपीटिंग नंबर्स के बारे में, जो कि बेटा आपके किस में आते हैं, जो कि आपके आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में, ठीक है। किस में आते हैं बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग की अगर हम बात करें तो उसमें दो टाइप के नंबर्स होते थे आपके, एक रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग इसमें आ जाता है, रिपीटिंग इसमें आ जाता है। अब रिपीटिंग नाम से ही समझ आ रहा है कि जो नंबर्स रिपीट होते हैं, आप कौन से नंबर, जो पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट होते हो, किसके बाद, पॉइंट के बाद। फॉर एग्जाम्पल 2.444444444, ये बार बार क्या हो, रिपीट हो रहा है और कॉन्टिन्यूस चलता जा रहा है, ठीक है, इसका कोई एंड नहीं है। एंड और बेटा और भी बात हो सकती है, 5656 5656, कितने भी नंबर रिपीट हो सकते हैं, चाहे चार नंबर रिपीट हो, चाहे पांच नंबर, लेकिन रिपीटेशन होना चाहिए, ठीक है, समझ आ गई। तो सबसे पहली बात हमने समझी, पी बाई क्यू की फॉर्म है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ रैशनल नंबर, एंड टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी हमारे क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब आ जाते हैं किसके बारे में, अब आ जाते हैं बेटा इरैशनल नंबर, जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते। अब पी बाई क्यू की फॉर्म में कौन से नंबर नहीं होते मैम, जो कि हमने पढ़ा, देखो हमने अभी मैंने बोला कि नॉन टर्मिनेटिंग में दो नंबर्स आते थे, है ना, एक रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीटिंग बेटा किसमें चला जाएगा, हमारा इरैशनल नंबर में आ जाएगा। किसमें आ गया, इरैशनल नंबर में बेटा क्या आ गया, हमारा इरैशनल, सॉरी
नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन रिपीटिंग नंबर बेटा किस में आ गया हमारा, इरेशनल में आ चुका है। अब नॉन रिपीटिंग कैसे है, मतलब जो रिपीट ना होते हो, है ना, जो रिपीट ना होते हो आप कैसे, मतलब पॉइंट के बाद वो कॉन्टिन्यूस चलते जो जा रहे हैं लेकिन उनका रिपीटेशन नहीं है, वो कुछ भी नंबर्स आ रहे हैं बिना सीक्वेंस के, ठीक है। जैसे कि 2.4318769, ठीक है, 1 हो गया, ऐसे ऐसे कुछ भी नंबर आ रहे हैं और कॉन्टिन्यूस चलते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे नंबर्स जैसे कि आपके रूट वाले नंबर्स हो जाते हैं, रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, ठीक है, आपका क्या हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 15 हो गया, ये सारे ही नंबर बेटा आपके क्या है, ये सारे ही नंबर कैसे हैं, इरेशनल नंबर में काउंट हो जाते हैं, ठीक है। ये जो सारे नंबर्स होते हैं ये हमारे कौन से नंबर कहलाते हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर्स। एंड पाई इज ऑल्सो कॉल्ड अ बेटा कौन सा नंबर कहलाता है, ये हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। समझ आ गई इतनी कहानी, यस मैम समझ आ गई। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे, ये हमने समझा रैशनल और इरेशनल के बारे में। अब कुछ और नंबर्स भी होते हैं जैसे कि प्राइम नंबर हो गया, को प्राइम हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, है ना, ये बहुत बेसिक से नंबर है लेकिन बच्चों को इनका मतलब नहीं पता होता, तो मैं उनको भी साथ साथ यहीं पे समझाती है चलती हूँ। चलिए भाई आते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट पे, और नेक्स्ट है हमारा बेटा क्या क्या है, देखो सुनो, नेक्स्ट बेटा है हमारा प्राइम नंबर, है ना, क्या नंबर है हमारा, प्राइम नंबर के बारे में हम समझते हैं। प्राइम नंबर बेसिकली है क्या भाई, ऐसा नंबर जो सिर्फ किससे डिवाइड हो, जो किससे डिवाइड हो, वो अपने आप से डिवाइड हो, किससे, इट्सेल्फ एंड बेटा किससे, वन से, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं बेटा, दो ही फैक्टर्स होते हैं, और वो दो फैक्टर्स बेटा कौन कौन से होते हैं, एक तो इट्सेल्फ और वन, जैसे हमने लिखा भाई 3, ठीक है, 3 लिखा हमने, और 3 इज अ कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है भाई, 3 कैसा नंबर है आपका, प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपने आप से जाता है, और बेटा किससे जाता है आपका, वन से जाता है, ठीक है, समझ आ गई। और भी नंबर हो सकते हैं, है ना, और भी नंबर हो सकते हैं, जैसे 17 हो गया, 19 हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, बस ये बात ध्यान रखना हमेशा, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं भाई, 2 फैक्टर्स होते हैं, एक इटसेल्फ और एक वन, क्लियर। अब आते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट बेटा आपका क्या है, आपका को प्राइम नंबर है, कैसा नंबर, को प्राइम, अब बेसिकली को मतलब है आपका 2, ठीक है, यहां पर हम 2 नंबर्स की बात करने वाले, कितने नंबर्स की बेटा, 2 नंबर्स की, वहां पे सिर्फ 1 नंबर आ रहा था, वहां पे सिर्फ 1 नंबर आ रहा था, यहाँ पे 2 नंबर, अब 2 नंबर, जैसे कि आपके कोई भी 2 नंबर है उनमें ओनली जो कॉमन फैक्टर है वो कितना होना चाहिए, 1, 2 नंबर्स में कॉमन फैक्टर बेटा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, कॉमन फैक्टर बेटा कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, कॉमन फैक्टर बेटा कितना आएगा आपका, 1 आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आपने लिखा क्या, 2 लिखा और 3 लिखा, है ना, 2 और 3 लिखा, अगर मैं बात करती हूँ बेटा किसकी बात करती हूँ, 2 की बात करती हूँ, 2 अपने आप से जाएगा, 1 से जाएगा, 3 की बात करती हूँ, 3 अपने आप से जाएगा और 1 से जाएगा, है ना, इससे जाएगा, और दोनों में कॉमन क्या है भाई, दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो ये कैसे नंबर्स हो गए, को प्राइम नंबर हो गए हैं, ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। और नंबर ले गया, जैसे कि आपने एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, 21 हो गया बेटा, 21 हो गया और कितना हो गया, 25 हो गया, है ना, 21 और 25 हो गया, देखो भाई ये 21 से भी चला जाएगा, ये 1 से भी चला जाएगा, ये 3 से भी चला जाएगा, ये 7 से भी चला जाएगा, ठीक है, ये किससे जाएगा, ये किससे जाएगा, 25 से चला जाएगा, ये 1 से भी चला जाएगा, और ये बेटा किससे चला जाएगा, 5 से भी, ठीक है, लेकिन जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली बेटा क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो ये कैसे नंबर हो गए भाई, ये आपके को प्राइम नंबर आपको नजर आ चुके हैं, समझ आ गई थी बात, सिंपल सी चीज थी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट आपका कंपोजिट नंबर क्या है भाई, कंपोजिट नंबर की हम बात कर लेते हैं, देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर जो नंबर प्राइम नहीं होते उनको हम क्या कह देते हैं, कंपोजिट कह देते हैं, क्या कह देते हैं, कंपोजिट। अब कुछ कुछ हिंट तो मिल गया होगा, मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला तो चलो बताती हूँ, ऐसे नंबर जिसके मोर देन कितने फैक्टर्स हो, 2 फैक्टर, मोर देन कितने हैं, 2 फैक्टर्स, ठीक है, मोर देन भाई कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स होने वाले हैं। जैसे कि अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें, तो वो भाई क्या होता है, 4 होता है, 4 किससे किससे जाता है, 2 से जाता है, 4 से जाता है, 1 से जाता है, कितने फैक्टर है, 3 फैक्टर, मतलब मोर देन 2 है, ठीक है, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, और ये भी पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आप मुझे सभी के सही बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएंगे, ठीक है, कि क्या होता है, 1 होता है या 2 होता है, ठीक है, और ध्यान रखना 2 फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर के। चलो भाई ठीक है, कंपोजिट नंबर हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे 25 हो गया, 21 हो गया, है ना, और भी 14 हो गया, बहुत सारे हमारे कंपोजिट नंबर हो सकते हैं,
समझ आ गई बात, ये सारी बात अच्छी तरीके से समझ आ जानी चाहिए क्योंकि ये सारे नंबर्स आगे आने वाली चीज़ों में यूज़ होने वाले हैं। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ हम समझते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि हमें बताना होता है कि ये हमें कुछ नंबर दे दिए जाते हैं, है ना, और हमें एक्सप्लेन करना होता है एक कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर जैसे कि अभी हमने समझा कि मोर देन कितना फैक्टर होना चाहिए, टू। अब क्या करते हैं ऐसी चीजों में, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि हम समझते हैं। देखो यहाँ पे दो है, दो यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो जब कॉमन निकलेगा तो फिर उनके जो अंदर नंबर है उनके मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखेंगे क्या उसके मोर देन टू फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर आ रहे हैं तो वो कंपोजिट नंबर हो जाता है, सिंपल सी चीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। अब इससे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि आप बचपन में सीख के आ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। चलिए भाई पहले मैं क्या करती हूँ, एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं, फिर मैं आपको क्या बताऊंगी इस पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब समझाने वाली हूँ, ठीक है। क्या समझाने वाली हूँ, इस पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। इंग्लिश में कहानी नहीं पढ़ते, पहले हम थोड़ा सा अपने तरीके से समझते हैं। अब आओ कोई भी एक नंबर लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक नंबर लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया 240, ठीक है, 240 लिया। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, मैंने एक छोटी सी लाइन खींची, अब मुझे ये बताओ सबसे छोटा नंबर जो कि इसको, मतलब ऐसा छोटा नंबर बताओ जो कि इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, वन के अलावा क्या हो सकता है बेटा, टू से चला जाएगा ये, है ना, टू से चला जाएगा, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, ठीक है भाई। फिर ये टू से जाएगा बेटा, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, ठीक है, फिर टू से जाएगा कितना जाएगा 30, फिर टू से जाएगा भाई कितना जाएगा 15, फिर ये किससे जाएगा, थ्री से जाएगा 5 टाइम्स, फिर ये बेटा किससे जाएगा, 5 से जाएगा और कितने टाइम्स, 1 टाइम, ठीक है, ये सभी को आता होगा, ठीक है। हमने एक छोटा नंबर लिया जो कि इसको डिवाइड करते हैं। अब ये जो जितने भी चीज़ें आई हैं ना, इनको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइम फैक्टर। मैं इसको यहाँ पे लिखने का काम करती हूँ। 240 है, देखो भाई दो कितनी बार लिखा है, एक दो तीन और चार लिखा है, चार बार। मैं चार बार ना लिखे ना, मैं क्या कर देती हूँ, टू की पावर फोर लगा देती हूँ, बिल्कुल ईजी सा है, ठीक है। अब थ्री बेटा एक बार है तो थ्री एक बार लिख दिया, फाइव एक बार है तो फाइव एक बार लिख दिया, क्लियर है इतनी बात, यस मैम क्लियर है। अब क्या अब हम देखो 240 जो है बेटा वो कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर, बहुत ध्यान से सुनते रहना, 240 इज़ अ कंपोजिट नंबर। लेकिन अगर हम इनके प्राइम फैक्टर्स की बात करें, प्राइम फैक्टर्स है, ये कैसा नंबर है बेटा, प्राइम नंबर है, ये भी बेटा क्या नंबर है, प्राइम नंबर है, और ये भी बेटा क्या नंबर है, प्राइम नंबर है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि आपके पास अगर क्या होता है, एक कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है, जब उसके फैक्टर्स बनाते हो, तो जो फैक्टर्स है ना, सबसे पहली बात वो किस में आएंगे, हमेशा प्राइम नंबर में आएंगे, किस में आएंगे, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में आएंगे। और ये जो सीक्वेंस होती है ना, ये यूनिक होती है, यूनिक का मतलब है कि सिर्फ 240 को हम इसी तरह से लिख सकते हैं, मतलब आगे पीछे कर दो, ठीक है, लेकिन सिर्फ इसी तरीके से लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई और नंबर इसमें ऐड नहीं हो सकता। जैसे कि मान लो अगर मैं कहना चाहूँ कि मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, या मान लो 4 ऐड कर दिया, ठीक है, चलो 8 मान लेते हैं, 8 ऐड कर दिया, अब क्या इन सबको मल्टीप्लाई करके 240 आ जाएगा, नहीं आएगा, कुछ और नंबर ऐड कर दिया, तो चलो 8 नहीं ऐड करके 7 ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या 240 नंबर आ जाएगा, नहीं आएगा। मतलब सिर्फ इन्हीं को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन्हीं प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 240 आएगा, मतलब ये क्या है, यूनिक है, समझ रहे हो, समझ आई। अब हम पढ़ते हैं इसकी लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या कहती है, ध्यान से सुनो। एवरी कंपोजिट नंबर, हमारे पास कंपोजिट नंबर था जो कि हमने उसको एक्सप्रेस करा, मतलब फैक्टराइज करा एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब कंपोजिट नंबर को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, बेटा वो क्या है, यूनिक है, एक्सेप्ट ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर का, मतलब आगे पीछे हो सकता है, मतलब इसको हम थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब 5 को पहले हमने आगे लिख दिया, 3 को इधर लिख दिया, और 2 की पावर 4 को ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये यूनिक है, इसमें कोई और नंबर हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, समझ आई भाई बात। तो ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसको हम प्यार से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, समझ आ गई, ठीक है। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको एक नंबर दे दिया गया है 2520, यस। अब आपको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया गया, अब आपको इसको क्या करना है, देखो सिंपल सी चीज़ है, आपको कुछ नहीं करना, जो आपके पास 2520 है इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओ, मतलब प्राइम फैक्टर्स निकालो क्या क्या आ रहे हैं, और वो कुछ इस तरह से आपका दिखने वाला है,
इस तरह से आपका कुछ दिखने वाला है। अब उसमें ना आपको क्या दे दिया गया है, पी हटा दिया गया है, यहाँ पे क्यू हटा दिया गया है, तो आपको पी और क्यू की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन अभी जो प्री बोर्ड हुआ है बच्चों का, स्टैंडर्ड वालों बच्चों का, उनके असर्शन रीजन में डाला गया, तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, कहीं आपके दो नंबर में दे देगा, कहीं आपके एमसीक्यू में दे देगा, कहीं आपके असर्शन रीजन में उठा के दे देगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेना। चलिए भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्या बोलता है, द एक्सपोनेंट ऑफ टू इन प्राइम फैक्टराइजेशन, सेम प्राइम फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, बोला गया है प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करना है, 720 का करना है। द एक्सपोनेंट ऑफ टू, हमें बताना है टू का जो एक्सपोनेंट है, मतलब टू की जो पावर है वो यहाँ पे कितनी आने वाली है जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 720 का। समझ आ गई बात, जैसे कि 720 को आप डिवाइड कर, मतलब करते हैं यहाँ पे ऐसे बनाओगे तो आप देखोगे 2 जितनी बार भी आ रहा है उतनी ही उसकी कितनी पावर है। जैसे मान लो अगर 2 की पावर 3 आ रहा है तो 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 बार आ रहा है तो 4 बार हो जाएगा। ठीक है, ये करके आपको खुद देखना है। अब भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं, और ये भी प्री बोर्ड का क्वेश्चन है, वो भी स्टैंडर्ड वाले बच्चों का। ठीक है, देख रहे हो इतने इजी क्वेश्चन आते हैं रियल नंबर से, बहुत ईजी चैप्टर अगर आप ढंग से इसको पढ़ो तो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका फैक्टर ट्री है, सेम ये तो यार आप 6th 7th में पढ़ के आ ही होगे। प्राइम फैक्टर मतलब फैक्टर ट्री में हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, आपसे क्या बोला गया है, एक्स की वैल्यू बतानी है वाई की, हम क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाती है, मतलब 7 3 21, एक्स की वैल्यू 21 आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, वाई आएगा, जो कि आ जाएगा आपका 84, है ना। कितना आ जाएगा भाई आपका 84 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, इस तरह से आपका फैक्टर ट्री हो जाता है। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट पे, ये भी आपकी बुक में है, 9 की पावर n। हमें बताना होता है कि कोई भी नंबर दे रखा है जैसे 9 है, अब n दे रखी है उसकी पावर, n दे रखी है उसकी पावर, उसमें बोल रखा है n इज अ नेचुरल नंबर। अब हमें बताना है n की कुछ भी पावर रख दो, लेकिन वो किससे एंड नहीं होगा, कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, वो 0 से एंड नहीं होना चाहिए। अब डिजिट 0 से एंड होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, देखो अगर मैं बात करती हूँ 20 की, है ना, 20 की बात करती हूँ, तो इसके फैक्टर्स अगर मैं देखूँ, फैक्टर्स में यार 2 भी आता है 5 भी आता है ना, 2 भी आता है 5 भी आता है। अगर मैं 40 की बात करूँ तो बेटा इसमें भी 2 आता है इसमें भी 5 आता है ना। अगर मैं बात करूँ किसकी, मैं 30 की बात करूँ तो इसमें भी 2 आता है इसमें भी 5 आता है। अगर मैं 10 की बात करूँ तो इसमें भी 2 आता है इसमें भी 5 आता है। मतलब जो 0 से एंड हो रहा है नंबर, उसमें अगर आप ध्यान से देख रहे हो, जो कॉमन चीज़ आपको नजर आ रही है उसमें 2 भी होगा और 5 भी होगा, 2 भी होगा 5 भी होगा, मतलब 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए अगर उस नंबर को 0 से एंड होना है तो। इतनी बात समझ आई। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि 9 की पावर n कभी 0 से एंड नहीं होगा, तो मतलब मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि अगर हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं, है ना, फैक्टर्स अगर मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, 3 की पावर 2 हो जाएगा। क्या इसमें 2 और 5 है इसके फैक्टर्स में, नहीं है, नहीं है। चाहे हम n की पावर कितनी भी कर ले, 9 तो है, 9 के हम फैक्टर्स देखेंगे, क्या उसमें 2 और 5 है, दोनों ही होने चाहिए, दोनों मस्ट है। अगर 2 और 5 होते हैं तो वो डिजिट n से 0 मतलब 0 से एंड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होने वाला। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इसके फैक्टर्स जो है वो 2 और 5 नहीं है इसमें, तो इसलिए 0 से एंड नहीं होगा। अब 9 के अलावा आपको कुछ और नंबर दे सकते हैं, 6 दे दिया, 6 की पावर n। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 2 भी हो सकता है और 3 भी होगा इसका फैक्टर, 2 तो है लेकिन क्या 5 है, 5 है नहीं है, तो मतलब 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, समझ आ रही है। तो इस तरह से नंबर चेंज करके दे दिया जाएगा, आपको देखना है 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए। ठीक है, चलो अब आते हैं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज योर HCF एंड LCM। ठीक है, HCF और LCM मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। अब समझते हैं सबसे पहले HCF और LCM है क्या। अगर मैं बात करूँ यार, अगर मैं बात करूँ किसकी, HCF की, है ना, सबको फुल फॉर्म भी पता है क्या होती है बेटा, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं एलसीएम की, एलसीएम क्या होता है, ठीक है ये भी लिख देते हैं यहाँ पे, एलसीएम बेटा आपका क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन क्या होता है बेटा, मल्टीपल। ठीक है, ये दोनों ना अपने नाम के उल्टे होते हैं, बेसिकली दोनों ही अपने नाम के उल्टे होते हैं। हम यहाँ पे दो नंबर दे रखे हैं, ठीक है, मैं इन्हीं के हेल्प से क्या कर दूँ, इन्होंने ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइज कर दिया है इनका। जैसे 90 है, ठीक है 90 है बेटा, किस तरह से फॉर्म हुआ है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 144 की, तो 2 की पावर 4 है और 3 की पावर 2 है। ठीक है, ऑलरेडी इन्होंने प्राइम फैक्टर्स दे दिए। अब इससे हमें क्या बताना है, क्या बताना है भाई, क्या बताना है आपको, बताना है HCF। HCF क्या होता है भाई, HCF होता है जो कॉमन नंबर होता है, ध्यान सुनो, जो कॉमन नंबर होगा उसकी लोवेस्ट पावर, कॉमन नंबर की भाई लोवेस्ट पावर। अगर मैं कॉमन नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे 2 भी नजर आ रहा है और 3 भी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे मैम आ रहा है। अब
यहाँ पे पावर वन भी है और यहाँ पे फोर भी है, लेकिन मैंने क्या बोला लोवेस्ट पावर, तो लोवेस्ट पावर कौन सी है, टू के पावर वन, तो यहाँ पे आ जाएगा टू के पावर, समझ रहे हो के बात, यस मैम। अब आते थ्री पे, थ्री पे देखो यार दोनों पे दो दो है, मतलब हाईएस्ट भी टू है और लोवेस्ट भी बेटा क्या है टू ही है ना, तो हम क्या लेंगे थ्री के पावर टू ही उठा लेंगे, थ्री के पावर क्या उठा लेंगे टू ही उठा लेंगे, समझ रहे हो, जैसे कि मैंने बोला कॉमन नंबर की लोवेस्ट पावर उठा ली, ठीक है, ये हो गया आपका एलसीएम। अब आते हैं एलसीएम पे, सेम इसी नंबर को उठाना है, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं कॉमन नंबर की ग्रेटेस्ट पावर, कौन सी ग्रेटेस्ट पावर, तो ग्रेटेस्ट पावर की अगर मैं बात करूँ टू की बात करूँ तो टू की पावर फोर इज द ग्रेटेस्ट, यस टू की पावर इज द कौन सी बेटा फोर इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब थ्री, थ्री जैसे कि मैंने बोला टू भी पावर लोवेस्ट है और ग्रेटेस्ट बेटा क्या है टू भी है। अब इसमें कॉमन की ग्रेटेस्ट पावर तो आती ही आती है, मतलब हाईएस्ट पावर तो आती ही आती है, इसके अलावा जो अनकॉमन नंबर होते हैं कौन से बेटा, जो अनकॉमन नंबर होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि फाइव की पावर वन, ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। तो ये था बेटा हमारा क्या एचसीएफ और एलसीएफ, ठीक है, एचसीएफ में जो कॉमन नंबर है उसकी लोवेस्ट पावर और एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर एंड जो अनकॉमन है मतलब जो कॉमन नहीं है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे तीन नंबर दे रखे हैं, तीन नंबर में भी सेम यही सीन होता है, करके देख लेते एक बार, करके देख लेते एक बार, क्या बोल रखा है 144 है, टू की पावर फोर है, थ्री की पावर टू है, यस, और 180 की बात करें तो टू की पावर टू है, थ्री की पावर टू है, फाइव की पावर वन है, 192 की बात करें तो भाई कितना है आपके पास 2 की पावर 6 है एंड 3 की पावर बेटा कितना है 1। चलो भाई आ जाओ, अगर हम बात करते सबसे पहले एचसीएफ की, एचसीएफ की बात करूँ तो कॉमन नंबर 2 नज़र आ रहा है और 3 भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला एचसीएफ लोवेस्ट पावर, लोवेस्ट पावर, लोवेस्ट पावर 2 की पावर 2 एंड इसमें कितना आ जाएगा 3 की पावर, यस। अब एलसीएम की बात करते हैं तो हाईएस्ट पावर तो 2 की पावर 6 हो जाएगा और इसमें कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 और जो अनकॉमन नंबर है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, समझ आई, यस। चलो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको, अब नंबर्स ना देखे इस तरह से आपको दे दिया गया है, सेम वही सीन है, एक्स और वाई ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में है, वही करना है, एचसीएफ में छोटी पावर है, एलसीएम में बड़ी पावर, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, सेम ऐसा क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें एन की वैल्यू आपको बता देनी है, ठीक है। चलो अब कुछ रिलेशन है एचसीएफ और एलसीएम के बीच का, अगर मान लो आपको दो नंबर दे रखे हैं जो कि आपके ए और बी हैं, ठीक है, अब ए और बी का एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है तो इसमें हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वो एचसीएफ एलसीएम सही है या नहीं सही है, कैसे, जब दो नंबर दिए जा रहे हैं उन दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, क्या कर देना है भाई मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो एचसीएफ दे रखा है जो एलसीएम दे रखा है उनके अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आता है इक्वल आता है, समझ रहे हो बात, मतलब दो नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, दो नंबर्स दे रखे हैं ए और बी, उनका एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल में क्या रखेंगे ए इंटू में बी रखेंगे तो दोनों ही क्या आने वाले हैं इक्वल आने वाले, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बन सकता है कैसे आपको तीन चीज़ें दे दी जाएगी, चौथी चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप से, जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से बनता है, जैसे यहाँ पे देखो एचसीएफ दे रखा है एलसीएम दे रखा है एंड एक नंबर दे रखा है तो आपको दूसरा नंबर निकालना पड़ेगा, सेम वही प्रोसेस है, एलसीएम इंटू में क्या करना पड़ेगा एचसीएफ इक्वल में ए इंटू में बी, एचसीएफ आपको दे रखा है बेटा 23, एलसीएम आपको दे रखा है 1449 और एक नंबर दे रखा है आपको दूसरा नंबर निकालना पड़ेगा, तो आप निकाल ही लोगे मल्टीप्लाई डिवाइड करके, है ना, इस तरह से आपको दे दिया जाएगा। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, एचसीएफ निकालना है इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे और इस एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, मतलब एचसीएफ निकाल के यहाँ पे वो नंबर रखना है एचसीएफ और इक्वल में वो नंबर आपको रख देना है और एम की वैल्यू यहाँ से आपको फाइंड कर देनी है, ठीक है। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अब इसमें एक बात समझ लो, इसमें एक बात समझ लो कि मैक्सिमम या क्या वर्ड आ जाए बेटा ग्रेटेस्ट या क्या वर्ड आ जाए बेटा, ठीक है, और लार्जेस्ट, अगर ये वर्ड आ जाता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या निकालना होता है एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है। अगर क्या वर्ड आ जाए लीस्ट वर्ड आ जाए स्मॉलेस्ट वर्ड आ जाए, ठीक है भाई, स्मॉलेस्ट वर्ड आ जाए तो आपको क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक है, या मिनिमम वर्ड भी आ सकता है ना, मिनिमम वर्ड भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो आपको क्या निकालना पड़ता है एलसीएम, समझ रहे हो बात को, अगर मैक्सिमम ग्रेटेस्ट मतलब कुछ वो करने की बात है, बड़ा करने की बात है तो एचसीएफ और छोटे की बात आए तो एलसीएम, जैसे कि यहाँ पे बोल रखा है मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है, मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए हम क्या निकालेंगे एचसीएफ निकाल देंगे इन दोनों नंबर्स का, ठीक है। चलो अब इसमें भी ऐसे क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, सेम इसमें भी यही है, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड द लिविंग रिमाइंडर 6। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, ट्रिक क्या है बेटा, दो नंबर दे रखे हैं इनका दोनों का रिमाइंडर क्या है बेटा 6 ही है,
ऐसे केस में हमेशा जब एक ही रिमाइंडर दे रखा हो तो आपको यहाँ पे लार्जेस्ट बोल रखा है तो सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना, एचसीएफ निकालने के बाद उसमें क्या ऐड कर देना, 6 ऐड कर देना, समझ रहे हो। इन दोनों का, इन दोनों नंबर्स का सबसे पहले आपको क्या निकाल देना, एचसीएफ निकाल दोगे। एचसीएफ निकालने के बाद जो एचसीएफ आएगा उसमें क्या ऐड कर दोगे, 6 ऐड कर दोगे। कब, जब किसी भी दो नंबर या तीन नंबर का सिर्फ रिमाइंडर एक ही दे रखो, ठीक है। अगर अलग अलग दे रखा हो तो मैम क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको बता दूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग दे रखा है, अब इसमें लार्जेस्ट, फिर से वही है, लार्जेस्ट नंबर बताना, मतलब एचसीएफ निकालना। अब इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। 70 का रिमाइंडर बेटा कितना है, 5, उसको माइनस करेंगे। एंड 125 का रिमाइंडर बेटा क्या है, 8 है ना, कितना है, 8 है, तो इसको पहले माइनस करेंगे। अब माइनस करने के बाद जो भी नंबर आएगा उनका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। ध्यान सुन लो, दोनों में अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग रिमाइंडर दे रखा हो तो पहले माइनस करो रिमाइंडर को, बाद में एचसीएफ निकालो। अगर सेम दे रखा हो तो पहले एचसीएफ निकालो, बाद में उसको प्लस कर दो, ठीक है, प्लस करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीन नंबर या दो नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, ठीक है। यहाँ समझते हैं, थ्योरम है, थ्योरम के बेसिक क्वेश्चन है। लेट पी बी आर प्राइम नंबर, मान लेते हैं पी प्राइम नंबर है, ठीक है भाई। पी प्राइम नंबर मान लिया मैंने 2, बहुत ध्यान सुनते जाना इसको। एक ए नंबर है, ठीक है भाई, एक ए नंबर ले लिया जो कि मैंने 8 ले लिया 8, ठीक है। अब बोल रहा है अगर पी जो है वो क्या बोल रखा है, इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर, किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। मैं ए का क्या कर दूँ, स्क्वायर कर दूँ क्या, यस मैम कर दूँ। 8 8 64, क्या डिवाइड कर रहा है इसको, देखो ध्यान से, यस मैम कर रहा है, तो वो ए को भी डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, ए को, देखो क्या ए को भी डिवाइड कर रहा है, यस कर रहा है। समझे नहीं समझे, चलो मैं समझाती हूँ। एक पी प्राइम नंबर है जो कि हमने 2 लिया, एक ए नंबर है 8 लिया, ठीक है। अगर वो उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो मतलब वो उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। हाँ ये हो तो रहा है, लेकिन शर्त ये है कि जो हमारा ए नंबर होता है, ए नंबर होगा वो पी प्राइम नंबर का क्या होगा बेटा, मल्टीपल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। मतलब ए जो नंबर है वो पी प्राइम नंबर का क्या होना चाहिए, मल्टीपल। जैसे कि ये 8 की टेबल से 8 का मल्टीपल है, 64 भी 8 का मल्टीपल है, लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि मैंने 5 नंबर लिया, ए हमारा 5 नंबर है, ठीक है, 5 नंबर है, ठीक है। अब लेकिन ये क्या 2 का मल्टीपल है, नहीं है, लेकिन इसको पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर की बात करूं, क्या पी प्राइम नंबर इसको डिवाइड कर पा रहा है, नहीं, मतलब पॉइंट में आंसर आएगा पूरा डिविजिबल नहीं है। तो शर्त ये होती है कि जो ए नंबर है वो इस पी प्राइम नंबर का क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। समझ गए बात, आप क्वेश्चन करोगे तो उससे अच्छी तरीके से समझ आ जाता है आपको। आप कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, √11 आ सकता है, ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती हैं इसमें, ठीक है, ऐसे ऐसे नंबर्स आ सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्लस मल्टीप्लाई में नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है, प्लस में नंबर आ सकता है, इस तरह से माइनस में भी आ सकते हैं, और दोनों ही रूट वाले भी आ सकते हैं। तो ये था बेटा आपका पूरा का पूरा चैप्टर रियल नंबर्स का। आई होप सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, किस तरह से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाने वाला, आपके एग्जाम में गारंटी है, ठीक है। तो ये अगर आप कर लेते हो तो आप अच्छे तरीके से इस पूरे चैप्टर में करके आ सकते हो अपने एग्जाम में, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि आपका होने वाला है पॉलीनोमियल्स।